हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ ट्राई एंगल को आज बिल्कुल फिनिश करेंगे, ठीक है, मस्ती से पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ट्राई एंगल। स्टार्ट करने से पहले कल का रिवीजन कर ले गाइस, ठीक है। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, रेक्ट एंगल के बारे में। रेक्ट एंगल में फोर साइड हैं, फोर कॉर्नर, ये तो सबको पता है। 90 डिग्री के एंगल होते हैं, ठीक है, डायगनल होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप, दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। डायगनल की लंबाई क्या हो जाएगी, डायगनल इक्वल्स टू रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, याद हो गए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ट्राई एंगल के बारे में। आज ट्राई एंगल में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, आज इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक, ट्राई एंगल डेफिनेशन क्या होती है। ट्राई एंगल एक क्लोज शेप होती है जिसमें थ्री एज होती हैं। कितनी, थ्री एज, यानी थ्री साइड बोल सकते हैं, थ्री एज होती हैं, ठीक है। थ्री कॉर्नर होते हैं यानी वर्टेक्स कितने होते हैं, थ्री, ये तो हमें सब पहले ही पता था, ठीक है। एक क्लोज शेप होती है, बंद आकृति होती है ये, ठीक है, ये अपने अंदर कुछ एरिया कवर करती है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एंगल्स के बारे में। एंगल्स को एल, थोड़ा तिरछा एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, लेट कर ले रहे हैं। ये एंगल वन है, ये एंगल टू है और ये एंगल थ्री है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम इस लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, वर्टेक्स और एज इनका अब कोई यूज़ नहीं है, ऐसे इस साइड में, ठीक है। बची कौन सी लाइन, ये वाली साइड, इसको ऐसे आगे मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, रेज है, रेज को आगे तक बढ़ाया जा सकता है, यानी लाइन को आगे तक बढ़ाया जा सकता है। अब थोड़ी देर के लिए एंगल वन, एंगल टू और ये एंगल थ्री है, इस वाले एंगल को एंगल फोर मानते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट कर ले रहे हैं, एंगल फोर, एंगल फाइव और ये वाला एंगल सिक्स, एंगल सिक्स, ठीक है। अब ये बताइए, ये टोटल एंगल कितने का होगा, ये वाला टोटल एंगल 180 डिग्री, यानी एंगल टू प्लस एंगल फोर, एंगल टू प्लस एंगल फोर को मैं प्लस कर दूं 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर से, किससे, लीनियर पेयर से। एंगल वन और एंगल सिक्स को प्लस कर दूं, एंगल वन प्लस एंगल सिक्स को प्लस कर दूं, ये भी 180 डिग्री है ना, ये 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एक लीनियर पेयर बनाती है, ठीक है। एंगल थ्री प्लस फाइव, एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव इजिकल टू 180 डिग्री, ये भी हो जाएगा 180 डिग्री, कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। देखो ये भी 180 डिग्री का होगा, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री की होती है, ठीक है, ये लीनियर पेयर है, ये एंगल और ये एंगल को प्लस कर दो 180 डिग्री आता है, ओके। अब मैं सबको प्लस कर दूं, सबको को प्लस कर दूं, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स, सिक्स है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना, एंगल सिक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 प्लस 180, टोटल कितना हो जाएगा, 18 18 18 36 18 54, यानी 540 डिग्री। इन सभी का प्लस कितना हो गया, 540। बट मुझे स्क्वायर में, जैसे स्क्वायर के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री, इसका फाइंड करके लाना है कि इसके कितना डिग्री होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, ये इतना मुझे फाइंड करना है कि ये सारे एंगल्स तो 540 के होते हैं, बट ओनली वन टू थ्री, ये वाला वन टू थ्री, इन सभी को प्लस करेंगे तो कितने डिग्री निकल के आएगा।
हमें इतना पता चल जाए एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 कितने डिग्री के होंगे, इन सबको प्लस कर दें। आपको ये दिख रहा है ये एक चक्र बना रहा है, चक्र मतलब 360 डिग्री पे घूम रहा है। पहले ये वाली लाइन ऐसे घूम रही है, हैं, फिर ये वाली लाइन इस साइड में घूमी और ये वाली साइड ऐसे घूमी, एक 360 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री। कितनी डिग्री, 360, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना निकल के आएगा, 540 में से इतना इतना माइनस कर दो, हाँ 4, 5, 6 को माइनस कर दो, यानी 360 डिग्री को माइनस कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 180 डिग्री। कोई दिक्कत, यही है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। कोई दिक्कत परेशानी, कहने का मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। कहने का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को प्लस करो, 180 डिग्री निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। टाइप ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। मैं बच्चों आपसे कहूं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनसे ट्राइंगल ड्रॉ कराए जाएं, क्या सभी के ट्राइंगल सेम होंगे दिखने में, पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल नहीं है। हर बच्चे से आप ट्राइंगल ड्रॉ करवाओगे तो अलग अलग शेप का वो ट्राइंगल ड्रॉ करेगा, ये बात सही है, ठीक है। तो सबसे पहले लंबाई के आधार पर, बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड, लंबाई के आधार पर थ्री टाइप के, कितने टाइप के, थ्री टाइप के ट्राइंगल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कोई बच्चा ऑल साइड अनइक्वल हैं, कहने का मतलब ये 3 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, क्या ये किस साइड, किस कैटेगरी में आएगा, एस्केलेन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, एस्केलेन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज, क्या बोलते हैं इसे, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। नंबर सेकंड बात करते हैं, कोई बच्चा टू साइड इक्वल का दो साइड इक्वल कर देगा, बराबर की एक उसकी डिफरेंट कर देगा, ये जैसे मैंने 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी। इसे बोलेंगे आइसोसेसल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु, द्वि मतलब दो भुजाएं बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। एक बच्चे जिससे ड्रॉ कराया उसका देखा गया तो उसका ऑल साइड इक्वल निकल के आई, कैसी, ऑल साइड इक्वल, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसकी लेंथ सेम है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ऑल साइड इक्वल, तो इसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, कोई दिक्कत। तो ट्राइंगल लंबाई के आधार पर बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड थ्री टाइप्स के होते हैं। सम नंबर फर्स्ट, एस्केलेन आइसोसेसल इक्विलेटरल, एस्केलेन आइसोसेसल इक्विलेटरल, एस्केलेन आइसोसेसल इक्विलेटरल, ओके, तीनों याद हो गए, एस्केलेन आइसोसेसल इक्विलेटरल, एस्केलेन आइसोसेसल इक्विलेटरल, एस्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेसल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोण के आधार पर ट्राइंगल का जो प्रकार होता है, वो पहला प्रकार होता है एक्यूटेंगल ट्राइंगल। एक्यूटेंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, 90 डिग्री से कम, जिसे हिंदी में बोला जाता है न्यून कोण, क्या, न्यून कोण, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा। कोई ट्राइंगल, एक एंगल आपने ये मान के चलो 70 डिग्री का बना दिया, ठीक है, फिर तो ये एक एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना
चाहिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। फिर तो ये भी 90 डिग्री से कम हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री से कम हो जाएगा, अपने आप 90 डिग्री से कम हो जाएंगे, ठीक है। एक होना चाहिए तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। नंबर सेकंड बात करते हैं, ऑप्टियूस एंगल ट्राइंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसी, कहने का मतलब एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा, इसे हम मान ले रहे हैं 120, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम, 180 से, 180 यहाँ होता है ना, 180 से कम, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, ऑप्टियूस एंगल ट्राइंगल, ऑप्टियूस एंगल ट्राइंगल। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, क्या एक त्रिभुज में एक से ज़्यादा ऑप्टियूस एंगल हो सकते हैं, क्या एक ट्राइंगल में एक से ज़्यादा ऑप्टियूस एंगल ट्राइंगल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये 180 डिग्री, 120 डिग्री, इसे 90 डिग्री से ज़्यादा कर दो तो कभी ये ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा। ट्राइंगल में थ्री साइड होती हैं, 1 2 3, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, नहीं, एक ट्राइंगल में एक ही एंगल ऑप्टियूस हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल वो एंगल होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, तो इसे बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। कोई दिक्कत परेशानी, समकोण त्रिभुज, इसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज, हिंदी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, याद कर लें। ट्राइंगल सिक्स टाइप के होते हैं, ट्राइंगल सिक्स टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट एस्केलेन ट्राइंगल, याद करो एस्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेसल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एस्केलेन में सभी साइडें अलग अलग होंगी, आइसोसेसल में कोई भी दो साइड बराबर की होंगी और इक्विलेटरल में सारी साइड इक्वल होंगी। नंबर फोर्थ है आपका एक्विट एंगल ट्राइंगल, एक्विट एंगल ट्राइंगल, एक्विट एंगल ट्राइंगल। नंबर फिफ्थ है आपका ऑप्टियूस एंगल ट्राइंगल, ऑप्टियूस एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक कोण ऑप्टियूस होगा, एक्यूट में एक कोण, एक एंगल एक्यूट होगा। और लास्ट बचा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एस्केलेन, आइसोसेसल, इक्विलेटरल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑप्टियूस एंगल ट्राइंगल और लास्ट राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इरेज कर रहा हूँ। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप, ठीक है। कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है जिसकी तीन साइड कितने सेंटीमीटर की होती हैं, जितने भी सेंटीमीटर हो उन सभी को प्लस कर देना चाहिए, यानी वन राउंड लगा देना चाहिए। ये ए है, ए बी है और ये सी है, तो पेरीमीटर हो जाएगा आपका ए बी, ए से बी तक गए, इन दोनों को प्लस करो, मान के चलो ये 5 सेंटीमीटर है, प्लस ए से बी तक चले, बी से सी तक चलेंगे, बी सी, बी सी चले आप 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, प्लस सी ए, वापस उसी जगह आ गए सी ए, तो टोटल पैरामीटर कितना हो जाएगा इसका, इसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर, 5 + 10 + 12 इक्वल्स टू 10, 12, 24, 22, 25, 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर पैरीमीटर फाइंड होके आ गया। पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर वन राउंड लगा दो, जितना आप चले वन राउंड में वही टोटल पैरीमीटर होता है, कोई दिक्कत परेशानी। अब बात करते हैं एरिया की, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, जब किसी ट्राइंगल की ओनली साइड गिवन हो, साइड गिवन हो, ये ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ये ए साइड है,
ये बी साइड है, ये सी साइड है। कहने मतलब ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये मान लो 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये फोर किसी टू साइड का सम, टू साइड का सम सम थर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, उसी को ट्राइंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। टू साइड का सम किसी दो साइड, 8 और 5 13, 13 फोर से बड़ा है, यस बड़ा है। 4 और 5 9, 9 8 से बड़ा है, यस बड़ा है। 8 और 4 12, 12 5 से बड़ा है, यानी टू साइड का सम थर्ड से बड़ा होना चाहिए, उसी ट्राइंगल को आप ड्रॉ कर सकते हैं। नोट कर लो ये बात, अच्छी बात है, ठीक है। जब ट्राइंगल की हमें ये तीन साइड दी हुई होती हैं, तो हीरोंस फार्मूला फाइंड, हीरोंस फार्मूला के थ्रू हम त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। पहले हमें इसका अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर, क्या सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप क्या होता है? पूरा परिमाप निकालो, 4 + 5 + 8, 4 यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन आधा कर दो, आधा परिमाप निकल आएगा। अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर निकल आएगा। ये सेमी पेरीमीटर को मैं s से डिनोट कर रहा हूँ, किससे? ये s है, क्या है ये s। अब त्रिभुज का, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया इक्वल्स टू आपको s में से जो आंसर निकल के आएगा, s में से a माइनस करना है, फिर b माइनस करना है, s में से b माइनस करना है, और s में से c माइनस करना है, और सबका मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर उसमें जब तीनों का मल्टीप्लाई हो जाए, उसमें s का मल्टीप्लाई कर दो। s का मल्टीप्लाई फाइंड करने के बाद आप स्क्वायर रूट निकाल लो, क्या फाइंड कर लो, स्क्वायर रूट। यही है आपका हीरोंस फार्मूला, ठीक है। हीरोंस फार्मूला, हीरोंस फार्मूला याद करते हैं। ए एरिया इक्वल्स टू ट्राइंगल की एरिया है, रूट एस एस माइनस ए, एस एस माइनस बी, एस एस माइनस सी। एक बार दोबारा रिवीजन, रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, याद हो गया। एरिया इक्वल टू आँख बंद करके एक बार 5 बार बोलो, रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, आंसर है ना, फाइंड होके आ जाएगा, याद हो गया होगा, 5 बार बोल लिया, ठीक है। ये था हीरोंस फार्मूला, इससे आपका ये एरिया फाइंड होके आ जाएगा, त्रिभुज का कितना एरिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, चलो इरेज कर रहा हूँ। ट्राइंगल जब हीरोंस फार्मूला यानी साइड ए बी सी तीनों साइड गिविन नहीं हो, तब जब तीनों साइड गिविन नहीं है तब क्या करते हैं? देखो हमें दो चीज़ पता, दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़, कोई भी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है, किसका? पैरेललोग्राम का आधा होता है। ये एक साइड है, ठीक है, इसके एक पैरेलल आपको ड्रॉ करनी है, इसके पैरेलल, ये पैरेलल ड्रॉ करें, ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल ड्रॉ करो, पैरेलल होनी चाहिए, सेम हाइट, ठीक है। यानी ट्राई एंगल एक किसका? पैरेललोग्राम का आधा होता है, ये बात हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। चाहे आप एक, ये भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, इसके ये अपोजिट पैरेलल लाइन होती है, ये वाली इसके अपोजिट पैरेलल होती हैं, ये कभी आपस में नहीं मिलती। तो इसमें से आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये वाला ट्राइंगल पैरेललोग्राम का आधा होता है, ये बात हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है। मान के चलो किसी ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल है, इसका हमें बेस पता है, बेस है ए, ठीक है, बेस है ए, और इसकी हाइट हमें पता होनी चाहिए कि ये कितनी ऊंचाई तक का है, कितना इसकी जो हाइट होगी परपेंडिकुलर होगी, लंबवत हाइट होनी चाहिए, ना कि ये हाइट, इसे बोलते हैं स्लंट हाइट, ठीक है। ट्राइंगल इसे एच से डिनोट करते हैं।
कहने का मतलब ट्राइंगल, मैंने एक फॉर्मूला बताया था चतुर्भुज का, यानी समांतर चतुर्भुज का एरिया फाइंड करने के लिए बेस को जितनी हाइट तक आप ले जाओगे, बेस मान के चलो ये ट्राइंगल है, क्या है ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, इसका बेस कितना है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और ये मेरी जो मार्कर है ये 5 सेंटीमीटर लेंथ का है। बेस को जितनी हाइट तक, ऊंचाई यानी एच हाइट तक ले गए, ये 5 सेंटीमीटर है, ये मान के चलो 5-6 सेंटीमीटर है। बेस को जितनी हाइट तक आप ले जाओगे, बेस और हाइट का मल्टीप्लाई कर देने से यानी 5 6 30 होता है। ये जो 30 है ये कंप्लीट एक पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड होके आएगा, किसका 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर देने से इस कंप्लीट एरिया ट्राइंगल का डबल निकल के आएगा, है नहीं, एक पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड होके आएगा। और हमें ओनली ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो आधा कर दो, यानी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत परेशानी। एरिया इक्वल्स टू बेस, बेस कितना है जो भी हो बेस लिख लेते हैं, बेस इनटू हाइट कितनी है इसकी, हाइट h, HIGST हाइट, बेस और हाइट का मल्टीप्लाई कर देने से कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड होके आएगा। बट हमें ओनली ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो आधा करना पड़ेगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, ये हमारा किसका एरिया निकल आया ट्राइंगल का, ठीक है, ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट, इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लो, थोड़ा तिरछा हो रहा है, ठीक है। इस बेस को ऐसे मैं ले जा रहा हूँ, ऐसे बेस को जितनी हाइट तक आप ले जा रहे हैं, ऐसे मैं ड्रॉ करके ले जा रहा हूँ, ध्यान से समझो, बेस को मैं जितनी हाइट तक ले जा रहा हूँ, ये हाइट नहीं है, मेन हाइट ये है, मेन हाइट क्या है, ये एरिया जो कवर कर रहा है पैन, ठीक है, तो बेस ये हो गया, बेस हाइट ये बोली जाएगी, ठीक है, ना कि हाइट ये है, ठीक है, हाइट होगी कौन सी परपेंडिकुलर, ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसका, इसमें से एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ये होगा ट्राइंगल, इसका एरिया और इसका एरिया डबल होगा, सॉरी बराबर होगा, इक्वल होगा, यानी ट्राइंगल पैरेललोग्राम का आधा होता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।